हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। आप मेरा ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी अपने गार्डन से रिलेटेड बातें बताई हैं। आज बारिश हुई है और बारिश के बाद यहाँ पर कुछ पत्ते गिर गए हैं पेड़ पौधों के, जो कि काफ़ी जो एक्सट्रीम सनलाइट और गर्मी पड़ रही थी उससे ये पेड़ों ने अपने पत्ते छोड़ दिए हैं। तो बारिश के बाद थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, तो मैंने भी झाड़ू उठाई और लग गए हम अपनी गार्डन की सफाई करने। और गार्डन की सफाई करने का मज़ा ही अपने अपने हाथों से कुछ और ही है। हाँ, कभी कभी मैं हेल्पिंग हैंड मंगवा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं अपने गार्डन का काम खुद ही कर लेती हूँ। तो और साथ में अभी एक दो दिन पानी की ज़रूरत नहीं होगी, तभी ये पाइप भी मैंने कोने में रख दी है कि बारिश का मौसम, वैसे भी मॉनसून स्टार्ट हो गया है और बारिश के मौसम में इतना पानी देने की पौधों को ज़रूरत नहीं होती है। तो खैर, अब ये जो डीप क्लीन मैं कर रही हूँ, ये इसलिए भी मैंने ज़रूरी समझा डीप क्लीन करना, क्योंकि कुछ दिनों से हमारे गार्डन में कुछ ये बिल्ली के बच्चे आए हुए थे और उन्होंने खूब उधम मचाई और यहाँ तक कि क्यारी के सारे पौधे उन्होंने निकाल दिए। तो मैंने फर्स्ट लेन की एक क्यारी बनाई थी 10-15 दिन पहले, लेकिन उन्होंने खूब उधम मचाया है इसमें, तो दोबारा वो क्यारी भी बनानी है। और साथ में ये पत्ते भी काफ़ी गिर गए थे, तो उन पत्तों को भी साफ़ करना था, क्योंकि रेनी सीज़न में अगर पत्ते साफ़ ना करो तो इनमें फंगस लग जाती है और ये फिर दूसरे पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये फर्स्ट लेन की कटिंग थोड़ी सी मेरे पास एक्स्ट्रा थी, तो उसको मैं फिर दोबारा एक क्यारी बनाऊंगी। और ये छोटे छोटे प्लांटर्स में से भी जेड प्लांट लगे हुए थे, इसमें से भी उन शैतान बच्चों ने सारे प्लांट्स निकाल के और मिट्टी तक भी निकाल दी, देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली कर दिया। तो पहले ये छोटे छोटे प्लांटर्स में मैं मिट्टी भरूंगी और उसके बाद फिर ये जेड प्लांट्स की छोटी छोटी मैंने डंडियाँ निकाली हैं, स्टेम्स निकाली हैं, उन स्टेम्स को लगाऊँगी। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गार्डन में बर्ड्स और एनिमल्स आते हैं और खेलते हैं, और उनके साथ 4-5 दिन हमारा भी बहुत दिल लगा रहा बिल्ली के बच्चों के साथ, क्योंकि वो बहुत शरारती भी थे और साथ में ये भी देखते थे कि हाँ पीछे मुड़ के कि अब हम तेरा ये नुकसान कर रहे हैं तो अब ये तू क्या करेगी। लेकिन उनको हमने कुछ नहीं कहा, वो मज़े से रहे और खेल कूद के चले गए, साथ में उनको खाना पीना भी देते रहे, दूध और रोटी जो उनका वैसे भी उनका फूड जो होता है वो भी ले आए थे तो वो भी देते रहे। तो अब ये प्लांटर्स फिल करने के बाद फिर इसमें स्टेम्स लगाऊंगी और उसके बाद मैंने बॉन्साई ट्रे बनाई हुई हैं, उन बॉन्साई ट्रे में मैं इन प्लांट्स को छोटे छोटे जो प्लांटर्स हैं उनको एज अ डेकोरेशन पीस करके उनमें रख देती हूँ। तो ये जो कुछ ये एक बस यही बच गया और बाकी उन्होंने सब कुछ खाली कर दिया, ये जो गर्ल का प्लांटर है छोटा सा बस एक यही बच गया था जिनका जो उन्होंने खाली नहीं किया, बाकी उन्होंने सारे उखेड़ दिए, खाली कर दिए, मिट्टी निकाल दी और इतना जोर जोर के पटक पटक के मार रहे थे। मैंने कहा इस बार तो ये गए, अगली बार चलो नए ले आएंगे, लेकिन क्योंकि उनको ये लगता था कि इनके खेलने का कोई टॉय है, तो लेकिन फिर भी ये बच गए, टूटे नहीं, क्योंकि मिट्टी में ही खेलते रहे, अगर फर्श पर खेलते तो शायद टूट भी जाते। तो इस तरीके से ये जो प्लांटर्स हैं ये मैंने अपने तैयार किए और फिर एक एक करके अपने बॉन्साई ट्रे में इस तरीके से मैंने रख दिए। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं ये प्लांटर्स भी डेकोरेशन के लिए, और क्योंकि ये जो मेरी मॉस ग्रास है, जो इसका पहले भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल में शेयर किया हुआ है, वो भी आप ज़रूर देखिए। गर्मियां जब शुरू हुई थी तब ये मैंने मॉस ग्रास की, ये एक मल्चिंग थी मॉस ग्रास की, तो मल्चिंग वाला जो वीडियो है ये मैंने अपने पास शेयर किया हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिए। और क्योंकि अब वैसे भी क्योंकि मॉनसून का मौसम आ गया है तो मल्चिंग की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, तो इसलिए पर जो मल्चिंग हो चुकी है उसको हटाना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई सूखी डंडियाँ रखी हैं तो उसको ज़रूर हटा दें, क्योंकि वो फंगस पकड़ लेती है। मॉस ग्रास में कोई फंगस नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने सूखी डंडियों की कोई मल्चिंग की है तो वो आप ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि वो फंगस ले जाएगी और उससे प्लांट को नुकसान होगा। तो ये मेरा एक ये स्नेक प्लांट जो मैंने बॉन्साई ट्रे में लगाया हुआ है ये भी बहुत प्यारा है, सिर्फ एक ये सिंगल था जो अब एक से एक के बाद 4 ये पौधे बन गए हैं, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, मैं इस क्यारी की बात कर रही थी, आज मैंने ये क्यारी भी
एक नई बनाई है, क्योंकि इसी क्यारी में वो कूद कूद के सारे पर्सलेन की सारी डंडियाँ तोड़ गए थे। इसकी भी वीडियो मैंने पहले शेयर की थी जब मैंने क्यारी बनाई थी, कि मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड हैं वो मुझे ये पर्सलेन के कुल्फ, वो उन्होंने इसको कुल्फा प्लांट्स बोला था, कि वो मुझे गिफ्ट दे गए थे। तो मैंने कटिंग से काफ़ी सारा ये प्लांट्स लगा दिए थे, लेकिन उन्होंने ये जो मैंने बताया बिल्ली के बच्चों ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आज हल्की सी बारिश से मेरे पास थोड़ी बहुत कटिंग थी जो कि मैंने दोबारा लगाई। अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी, ये जैसे ये कटिंग है ये बची हैं, बाकी ये सब कुछ उखाड़ ले गए। यहाँ तक कि छोटी छोटी पाइप्स मैंने मेरे डॉक्टर फ्रेंड ही दे गई थी, उन्होंने वो मैंने एक बाउंड्री बना दी थी क्यारी की, तो वो तक भी वो उखाड़ ले गए। उसके साथ भी वो उन्होंने अपना टॉय समझा और टॉय की तरह ही उन्होंने उसको खेला और सारी पाइप्स उखाड़ दी। ये साथ साथ मैं अपनी जो क्यारी में वीड्स आई हैं, घास उग रही है, उसको भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़े थोड़े बस रह गई हैं प्लांट्स, बाकी उन्होंने सारे निकाल दिए। तो ये वीड्स साथ साथ अब क्योंकि मॉनसून में वीड्स तो आएंगी ही, एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, तो उसको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो पर मैंने ये देखा कि अगर एनिमल्स आ जाते हैं तो हम एंजॉय बहुत करते हैं। और अर्ली मॉर्निंग मेरे हमारे गार्डन में पैरट्स आते हैं और इतना अपनी आवाज़ से मन मोह लेते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। चिड़िया आती हैं, गौरैया आती हैं, और पैरट्स जब आते हैं तो देखने लायक होता है वो सीन। और इसके अलावा कबूतर भी आते हैं सुबह सुबह, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अर्ली मॉर्निंग यहाँ बैठो, ऑक्सीजन लो, पूरी गार्डन में बैठिए, ऑक्सीजन लीजिए, और साथ में जो बर्ड्स की आवाज़ होती है वो एक वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। जो बर्ड्स आते ही हैं वो बोलते हैं, आपस में तो बोलते हैं, आपस में बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ भी उनकी कनेक्टिविटी होती है। अगर हम चुपचाप वहाँ बैठे रहेंगे तो वो भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन ज़रा सी हरकत से वो इतने डरपोक भी होते हैं कि ज़रा सी हरकत करो फिर उड़ भी जाते हैं। तो इसलिए मैं तो कई बार चुपचाप बैठ जाती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।